नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। धाबी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में होगी बैठक। बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। अब बीजेपी का हर कार्यक्रम होगा चुनाव केंद्रित। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। इसी महासंभव विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा। 22 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगी अलका लांबा। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से लोकसभा की होगी चर्चा। पौधारोपण की तैयारी में जुटा उद्यान विभाग। 15 मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य। 4 योजनाओं के लिए पौधे आवंटित। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। अल्मोड़ा में दिन में तेज धूप और रात्रि को पड़ रही सर्दी। पिथौरागढ़ के ओम पर्वत, पार्वती कुंड, गुंजी, नाभी, डांग, हिमनगरी, मुनस्यारी में फिर से हुई बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की होगी। बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के बजट पर मोहर लग सकती है। करीब 90,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल सकती है। कर्मचारियों और बेसिक शिक्षा नियमावलियों में संशोधन, UGVNL का ढांचा समेत कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। दोपहर 1 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी भाजपा के आगामी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय नेतृत्व की अहम भूमिका रहने वाली है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा का अब हर कार्यक्रम चुनाव केंद्रित होगा, जो अब राष्ट्रीय नेतृत्व की अगुवाई में चलेगा। संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी माह के आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने मार्च के पहले सप्ताह के लिए राज्य में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत अन्य मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं भी केंद्रीय नेतृत्व से मांगी हैं। माना जा रहा है कि 28 फरवरी से राज्य में एक के बाद एक बड़े नेताओं की सभा आयोजित कर भाजपा विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्वाचित महेंद्र भट्ट ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संसद के उच्च सदन में उनकी उपस्थिति से प्रदेश के विकास संबंधी कार्यों को प्रबलता मिलेगी। देहरादून जिला उद्यान विभाग द्वारा शीतकालीन पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को लेकर देहरादून से मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी जोशी ने बताया कि शीतकालीन पौधरोपण के लिए उद्यान निदेशालय से आवंटन प्राप्त हुआ है और 4 योजनाएं संचालित की जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 4 योजनाओं के लिए हमें पौधे आवंटित किए गए हैं। पौधारोपण का काम लगभग 15 मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। वर्ष अभी शीतकालीन प्लांटेशन हमारे यहाँ से पे किया जा रहा है। अभी निदेशालय से हमें आवंटन प्राप्त हुआ है। जैसे कि 3 स्कीम यहाँ पे हमारी संचालित हैं, जिला योजना और एक आपका मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना और एक है आपका HMNH की योजना और निःशुल्क की योजना। तो इन 4 योजनाओं के तहत हमें पौधे अलॉट हुए हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना में अभी 94,000 प्लांट्स हमें अलॉट हुए हैं और निःशुल्क में 27,000 के लगभग और इसी तरीके से मिशन में 47,000 के लगभग पौधे हमें अलॉट। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर में निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार बाल विकास परियोजना अधिकारी के निर्देशन में जसपुर बाल विकास परियोजना के अंतर्गत VLO दा सुपरवाइजर ने नगर के वार्ड नंबर 5 के आंगनबाड़ी केंद्र पर जसपुर बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदिरा वर्गरी व सुपरवाइजर अंजू रानी अंबिका चौधरी के साथ रंगोली प्रतियोगिता के साथ मतदाताओं के हस्ताक्षर अभियान के तहत सबसे पहले करो मतदान फिर करेंगे जलपान के नारों के साथ रैली निकालकर सभी को शपथ ग्रहण करवाई।
मीडिया से रूबरू होते हुए परियोजना अधिकारी इंदिरा वरगरी ने कहा कि बाल विकास परियोजना में लगातार मतदाता जागरूक कार्यक्रम चलते रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो है हमारी कार्यकर्तियों के माध्यम से जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत जो है हमने वार्ड नंबर 5 के एक सेंटर पे आंगनवाड़ी सेंटर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की चौपाल लगाई गई और इस चौपाल के साथ साथ ही पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत BLO जितनी भी हमारी BLO हैं और जितनी भी हमारी कार्यकर्ती हैं उनको भी हमें महिला चौपाल लगाने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी जो चुनाव में उनकी मतदान के लिए होनी चाहिए। देहरादून में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर नागरिक से आगे आने के लिए आह्वान किया जा रहा है। मतदाता स्वयं वोट दें और साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक आने के लिए प्रेरित करें। 80 से अधिक आयु वाले मतदाताओं व दिव्यांगजनों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन युवाओं का नाम पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल हुआ है वह अपने मतदान का प्रयोग करें। मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए DM कार्यालय में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा शपथ भी ली गई। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने रेखीय विभागों को प्रत्येक विकास खंड में मॉडल क्लस्टर विकसित करते हुए कृषकों को जोड़ने के निर्देश दिए। कहा कि कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत है जो कृषि यंत्र किसानों को वितरण किए जाते हैं उनका समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए स्थानीय स्तर पर मरम्मत आदि की भी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि काश्तकारों को कृषि संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो। ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग को लेकर लोहाघाट के स्टेशन बाजार के व्यापारियों व पुलिस के बीच आजकल तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। मंगलवार को स्टेशन बाजार के व्यापारी व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में लोहाघाट थाना पहुंचे। व्यापारियों ने लोहाघाट थाने के SO सुरेंद्र सिंह से ग्राहकों के वाहनों को 10 से 15 मिनट खड़े होने देने की मांग की ताकि वह अपनी खरीदारी कर सकें। वहीं SO लोहाघाट सुरेंद्र सिंह ने कहा कि व्यापारियों के साथ वाहन पार्किंग को लेकर बैठक हुई, समस्या का समाधान SDM लोहाघाट के माध्यम से किया जाएगा। आज भी जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं हो पा रहा है। अगर कल जो है हमारी व्यापारियों की जो मीटिंग होगी सर्वप्रथम 3:30 बजे होगी, उसके बाद हम सभी व्यापारी जाकर SDM साहिबा से मिलेंगे और वहीं फिर उसके बारे में चर्चा होगी। जो कि हमारी मुख्य समस्या क्या है कि हमारी जो मोटरसाइकिल है ग्राहक आ रहा है, बिल्कुल ग्राहक के आते ही उसका चालान हो जा रहा है, उसको रोकने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया जाए, इसलिए आज व्यापारी हम लोग थाने में आए हुए हैं मीटिंग के लिए। व्यापार मंडल के सदस्यों की मीटिंग ली गई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा, तो उसमें फिर कुछ इनके व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, उनके द्वारा भी समस्याएं रखी गई हैं, तो उसमें पार्किंग को लेके और नगर पालिका की जो आपकी ठेले वेले लगते हैं उसको लेके भी कोई इनके ऑब्जेक्शन थे, मेरे द्वारा कहा गया है, इनके सजेशन किया गया SDM साहब और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ के मिलकर एक बैठक कर लेंगे, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। हल्द्वानी पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी में हुई हिंसा पर कड़े शब्दों पर विरोध जताते हुए कहा कि लंबे समय से हल्द्वानी जैसे शांत शहर का माहौल खराब किया जा रहा है। हल्द्वानी शहर में बाहर से आए लोगों द्वारा पहाड़ की शांत वादियों में अराजकता फैलाई जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज का सौहार्द बिगाड़ रहे हैं उन लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान भी लगातार जारी रखना चाहिए। देखिए, हमें यह लगता है कि जो भी लोग हमारे द्वारा जो समरस हिंदू समाज है इसके हृदय को आघात पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 8 तारीख की घटना भी उसी का एक उदाहरण है। हमने अनेकों बार इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण सेट किए हैं कि जिससे हमारी तरफ से हमेशा उनके प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव आता है, लेकिन जब कभी भी उनको मौका मिलता है वो किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देने से चूकते नहीं हैं। अभी मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार से एक तरीके से अराजकता का गढ़ बन गया बनभूलपुरा थाना क्षेत्र जो है उसके सम्मुख हमेशा विरोध में पुलिस प्रशासन रहता है।
हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में ओखल कांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल गया। हालात ऐसे हैं कि मृतक के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में आए ओखल कांडा के ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी, 10 बॉडियां, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे आप, इसको हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी, हमारी मानवीय संवेदना जागी। हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना ही है। ये कह रहे थे मैं बच्चों को नहीं उठाता। उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे क्या? इनकी कीमत इतनी है? आपने कीमत लगाई, आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा। नगर में मंगलवार को पीरुम दारा क्षेत्र में एक स्टोन क्रेशर के समीप सड़क किनारे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। कोतवाली के SSI मनोज नयाल ने बताया कि मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके का रहने वाला है। उन्होंने यह भी बताया कि घटना स्थल के पास एक बाइक और बैग भी बरामद हुआ है तथा परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। परिजनों के रामनगर पहुंचने के बाद मृतक के संबंध में जानकारी हासिल होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज प्रातः महाबली स्टोन क्रेशर के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर जाकर उसकी जमा तलाशी ली तो उसके जेब से एक आधार कार्ड मिला है। तस्दीक की जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला उपाध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में तहसील परिसर पहुंचकर तहसीलदार कुलदीप पांडे के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा। बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनफूलपुरा क्षेत्र में हुई घटना पर रोष जताते हुए इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई। SDM महोदय के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें वनभूलपुरा में बीते कुछ दिन पूर्व में जो घटनाक्रम रही, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की टीम अवैध मदरसे को गिराने गई, उस पर पथराव हुआ, पत्रकारों पर पथराव हुआ, जो महिला मातृशक्ति बहनें हैं उनकी वर्दी फाड़ दी गई। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसको लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन। रामनगर में युवा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और देश में बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। रामनगर में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और प्रदेश प्रभारी सीवी चौहान के नेतृत्व में भवानीगंज से मशाल जुलूस जो मुख्य मार्ग से होकर लखनपुर में समाप्त हुआ। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में युवाओं को काम न देकर बेरोजगारी की फौज खड़ी कर दी है। अग्निवीर जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को छला जा रहा है। ये मशाल जुलूस रामनगर में निकाला है। हम जय जवान मुहिम के तहत अग्निवीर योजना को वापस लेने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उस मांग के तहत हम प्रदेश भर के अलग अलग जा करके विरोध प्रदर्शन करने का, पदयात्रा करने का, मशाल जुलूस निकालने का कार्य कर रहे हैं। और हमारी मांग पहले दिन से एक ही है कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए। और जो 1.5 लाख से ज़्यादा युवा हैं जिन्होंने सारे पड़ाव पार कर लिए थे अपनी भर्ती प्रक्रिया के और अंत में उनको किनारे करने का काम सरकार ने किया, तो उनको भी समायोजित किया जाना चाहिए। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने की लड़ाई के तहत हम पूरे प्रदेश में जाकर ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी पीरान कलियर पहुंचे। पीरान कलियर पहुंचकर सावेर साहिब की दरगाह पर चादर चढ़ाई और देश में चैन और अमन की दुआएं मांगी। मोहम्मद शमी को लेकर के दरगाह प्रशासक ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। मीडिया तक से क्रिकेटर मोहम्मद शमी नहीं मिले।
संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेगी, सरकार को अपना ज्ञापन सौंपेगी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से संवाददाता प्रणव वरिष्ठ ने बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। आज पूरे प्रदेश में एसकेएम के आह्वान पर जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन पर प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। उसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आज हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में। टिकैत साहब, आज का जो आपका प्रदर्शन होगा उसके बारे में किस तरह है? उसमें ये है कि आज जिला मुख्यालयों पे है हमारे और ये पूरे करीब करीब पूरे देश भर में ये प्रोग्राम हो रहे हैं। स्टेट लेवल के इशू भी हैं, किसी प्रदेश के जो इशू होंगे वो भी उसमें जोड़ेंगे और जो राष्ट्रीय इशू हैं वो भी उसमें जोड़ेंगे, क्योंकि प्रदेश में हो रहा है, जिले में हो रहा है, तो वो समस्या भी अपनी रखो, आप अपने ज्ञापन बनाओ रखो। जो भारत सरकार के इशू हैं वो है एमएसपी गारंटी कानून, एक बड़ा इशू पूरे देश में है एमएसपी। लोग और सरकार बदनाम कर रही कि एमएसपी मिल जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी, एक प्रचार चला रहे पूरे तो, लेकिन हमारा ये है कि लीगल गारंटी कानून एक बन जाए कि जो भारत सरकार ने एमएसपी के रेट तय किए हैं, भारत सरकार जो खरीद कर रही है, व्यापारी खरीद करे तो उसके कम पर खरीद ना करें, ये एमएसपी का है। इस तरह काफी दिनों से किसान संगठन ये एमएसपी की मांग कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान दिया, सरकार इसको नहीं मान दिया, इसका आप क्या कारण मानते हैं? व्यापारी सस्ते में फसल खरीद कर महंगे में बेचता है, ये जो सरकार है उद्योगपतियों की मदद करती है, बड़े उद्योगपतियों की मदद करती है, वे हर क्षेत्र में काम कर रहे। हमने ये कहा कि जो सरकार ने रेट तय कर दिया वो कम से कम रेट है, उसके कम पे खरीदना हो ये कानून बना दो, उसी पे ये संघर्ष अभी तक चला हुआ है। अगर सरकार ये आज का आंदोलन के उससे नहीं आपका मानती है, मांगों को नहीं मानती है, तो इसमें आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखो, आगे आंदोलन ये चलते रहेंगे, सरकार नहीं मानेगी तो हम आंदोलन से नहीं मानेंगे, हमारे अलग अलग तरीके के आंदोलन चलते रहेंगे। ठीक है, टिकैत साहब ने बताया आगे की रणनीति कैसी होगी, आगे देखेंगे। मुजफ्फरनगर से मैं प्रणव वशिष्ठ, कैमरामैन जफर इकबाल के साथ, जन टीवी मुजफ्फरनगर। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में होगी बैठक, बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मिलेगी मंजूरी। अब बीजेपी का हर कार्यक्रम होगा चुनाव केंद्रित, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, इसी माह संभव विपक्ष को चारों खाने चित्त करने की रणनीति। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा, 22 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर रहेगी अलका लांबा, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। पौधारोपण की तैयारी में जुटा उद्यान विभाग, 15 मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य, 4 योजनाओं के लिए पौधे आवंटित। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, अल्मोड़ा में 3 दिन में तेज धूप और रात्रि को पड़ रही सर्दी, पिथौरागढ़ के ओम पर्वत, पार्वती कुंड, गुंजी, नाभी, डांग, हिमनगरी, मुनस्यारी में फिर से बर्फबारी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ, नमस्कार।